कर्निया में लोकसभा सीट लड़ने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपया चाहिए, प्रत्येक विधानसभा में 1 करोड़, कहाँ से पैसा लाएंगे भाई? अगर हम गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, कुछ नीतीश कुमार देंगे, अब मोदी जी हमको मदद करें? टिकटवा मेरे पॉकेट में रहता है। जीत 3 लाख से हम लीड करेंगे, जीत सुनिश्चित। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोर घटा गुना भाग हमारा मजबूत है, किसी का नहीं है। जिसको कह देंगे इतना से जीतेगा उतने जीतेगा। हम बोल दिए 3 लाख से जीते, 3 लाख से जीतेगा। हर समय विवादों में घिरे रहने वाले और विवादित बयान देने वाले जेडीयू के भागलपुर जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने फिर एक बड़ा बयान दे दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि मैं कभी निर्दलीय नहीं लड़ता हूँ, निर्दलीय विधानसभा में लड़ता था। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपए चाहिए और प्रत्येक विधानसभा में लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? अगर हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तो कुछ पैसे नीतीश कुमार को देंगे और कुछ नरेंद्र मोदी हमें पैसे देंगे, टिकट मेरे पॉकेट में ही रहता है। वहीं गोपाल मंडल ने ये दावा किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और 3 लाख से अधिक मतों से जीतूंगा भी, मेरी जीत सुनिश्चित है, जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोड़ घटाव गुणा भाग मेरा मजबूत है, वो और किसी भी नेता का इतना मजबूत गणित नहीं है। निर्दलीय विधानसभा, हम निर्दलीय लड़ते हैं? कभी निर्दलीय लड़ते थे विधानसभा, पार्लियामेंट लोकसभा सीट लड़ने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपया चाहिए, प्रत्येक विधानसभा में 1 करोड़, कहाँ से पैसा लाएंगे भाई? अगर हम गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, कुछ नीतीश कुमार देंगे, अब मोदी जी हमको मदद करेंगे? हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलने की उम्मीद है सर? अरे टिकटवा मेरे पॉकेट में रहता है, क्या बार बार बोलता है जी? जीत जीत सर, जीत 3 लाख से हम लीड करेंगे, 3 लाख से लीड करेंगे, जीत सुनिश्चित। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। और ये भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोर घटा गुना भाग हमारा मजबूत है, किसी का नहीं है। जिसको कह देंगे इतना से जीतेगा उतने जीतेगा। हम बोल दिए 3 लाख से जीते, 3 लाख से जीतेंगे। लोगों से मिल रहा है सर? मिलिए नहीं, काम क्या कर रहे हैं? लाश को देखिए, पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ आए तो लोगों से मिलिए नहीं? इतना तो लोग आएगा, देखेगा गोपाल मंडल आगे बढ़ के काम किया। बहरहाल बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जिसको लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है और एनडीए में 6 पार्टी के दल शामिल हैं, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतना माझी की पार्टी शामिल है। मंथन इस बात पर हो रहा है कि बिहार की 40 में से कितनी सीट किसकी झोली में जाएंगी। हालांकि जेडीयू ने अपना दावा पहले ही ठोक दिया है। जेडीयू की 16 सिटिंग सीटें हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन्हीं 16 सीटों पर चुनाव दोबारा लड़ना चाहते हैं। तो वहीं इस बार सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमल का फूल खिलाने का दावा किया है। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी 17 सीट जीती थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जेडीयू के खाते में 16 सीट जाएंगी और बीजेपी के पास 17 सीट तो बचती हैं, 7 सीटें, जिसमें से जीतन राम मांझी 1 और उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर दावेदारी की जा रही है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।